नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आपको बता दें कि लगातार आतंक विरोधी अभियान जारी है और आतंक विरोधी अभियान में सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि आतंकवाद का जो तंत्र है उसे नष्ट किया जाए, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है NISI। इस समय NISI यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्यवाही लगातार जारी है। और अभी जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, आपको बता दें कि NISI इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। NISI की ये कार्यवाही आज सुबह से ही जारी है, और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उनके अनुसार टेरर फंडिंग मामले में ये बड़ी कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दूं कि इस समय NISI की कार्यवाही जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में चल रही है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी समेत 6 जिलों में ये अलग अलग जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है। और वहीं श्रीनगर अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपिया जिलों में पुलिस और CRPF की टीमों के साथ NISI ने दस्तक दी है। सुबह से ही इन सभी इलाकों में छापेमारी NISI द्वारा की जा रही है, और NISI के साथ CRPF और पुलिस दल भी मौजूद है जो इन क्षेत्रों में छापेमारी कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है, कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी है टेरर फंडिंग मामले में जो है की जा रही है। और अभी तक सूत्रों के अनुसार एक खबर इसमें सामने निकलकर ये भी आ रही है कि पुंछ से एक व्यक्ति को डिटेन भी किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति पर संदेह NISI को है, इस मामले में उसे डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही है, जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में। राजौरी पुंछ में छापेमारी चल रही है, और वहीं कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग इलाकों में भी ये छापेमारी चल रही है। इस तरह से राजौरी पुंछ में पिछले कुछ दिनों से कई आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है, और वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और अब NISI की टीम ने भी वहां पर दस्तक दी है और वहां पर छापेमारी चल रही है। जैसे इसको लेकर कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।